हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुरभि। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसवीरे की हीलिंग मास्टर टीचर हूँ। आज आप लोगों को पता है कि आज दिसंबर मंथ यानी कि ये ईयर का लास्ट फुल मून है, जो दिसंबर 7 और 8 में हम इसे जो हमारी रिचुअल्स हैं, जो हमारे फुल मून के मैनिफेस्टेशंस हैं, उसके ऊपर हम 7 8 काम करने वाले हैं। अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास आज टाइम नहीं है, तो आप इसे डेफिनेटली 8 यानी कि कल देख सकते हैं, 8 दिसंबर को देख सकते हैं, और जो भी रिचुअल्स हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सेम वाइज जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, सेम आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, और 2 दिनों तक आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़, फुल मून जो होता है वो हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए होता है और हमारे रिलीज़ के लिए होता है, ठीक है। जो जो भी चीज़ हैं जो हमने ऐसे पकड़ के रखी हैं, ग्रजेस हैं हमारे हमारे कोई ऐसा चीज़ है जो हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट गो करना होता है हमारे फुल मून में, ठीक है। जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनको रिलीज़ करना होता है, लेट गो करना होता है। और साथ में आप क्या चीज़ को, जैसे आप बोलते हैं ना, डीक्लटर कर रहे हैं, डीक्लटर करने के बाद एक नई चीज़ को आप इन्वाइट भी करेंगे, तो यानी कि आप एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जो भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ के कोई भी एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, ठीक है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये टाइम है आपको ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होगा वेट लॉस के लिए। और जो भी चीज़ है, आपकी कोई भी डिज़ायर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप उसके लिए काम कर सकते हैं, अपने कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप जाएंगे, बहुत सारे आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मिल जाएंगे, उसमें से आप जो है कोई भी प्रैक्टिस को लेकर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी इस समय, कि जैसे फुल मून होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि डीक्लटर करना होता है, ठीक है, हमारे फिजिकल बॉडी में भी, हमारे माइंड में भी, और उसी तरीके से फिजिकल फॉर्म में भी, यानी कि आपका घर में भी जो भी चीज़ अनवांटेड है उसे डीक्लटर करो, ठीक है। जो भी एनर्जीज जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं जो अब आपको ज़रूरत नहीं है, उसे डीक्लटर करना स्टार्ट करो। अपना वार्डरोब डीक्लटर करो, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे निकाल दो, ठीक है। अपना घर को क्लेंस करो, ये सारे चीज़ें हैं जो आप डीक्लटर कर सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं। जब आप घर की मॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें सॉल्ट वाटर दे दो, ठीक है, सॉल्ट जो पिंक सॉल्ट आते हैं वो दे दो, ताकि आप ऐसा इंटेंशन रख के दो कि मैं जब ये घर को साफ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा घर का जो एनर्जी है और जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। इस तरीके से अपने माइंड में इंटेंशन करके आप कर सकते हैं। सेकेंड, आप खुद सॉल्ट वाटर बात कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर बात करेंगे और ऐसे बोलेंगे, मेरे जो भी एनर्जीज़ हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं, जो मुझे अब कोई भी चीज़ को सर्व नहीं करे, मे बी वो एंगर हो गया, एन्जाइटी हो गया, ठीक है, कोई चीज़ की स्ट्रेस है आपको, वो हो गया, तो आप इस तरीके से बोलेंगे कि मेरी बॉडी वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर रही हैं, और आपकी पूरी बॉडी जो है वो जो है अनवांटेड एनर्जीज़ को डिक्लटर कर रही हैं, ठीक है। थर्ड आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, घर का साफ़ सफाई हो गया, ठीक है, पिंक सॉल्ट वाटर हो गया, पिंक सॉल्ट वाटर से आप साफ़ कर सकते हैं, अपने खुद की बात कर सकते हैं, खुद की एनर्जी को आप क्लेंस कर सकते हैं। फोर्थ आएगा कि आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस करेंगे, ठीक है, अगर आप कोई क्रिस्टल यूज़ करते हैं, कोई टैरो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप क्रिस्टल टैरो को क्लेंस कर सकते हैं। क्लेंस किस तरीके से करना है, बाउल लेना है, ठीक है, उसमें पिंक सॉल्ट डालना है, पानी डालना है, मून वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने क्रिस्टल्स को जो है ना पानी के अंदर रखना है, ताकि वो चीज़ रिलीज़ कर सके, आपके क्रिस्टल क्लेंस हो सके, ठीक है। एक ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अपना एक बुक एंड पेन निकालिए और अपने माइंड को डिक्लटर करिए, अपने माइंड को, यानी कि जो चीज़ आपके इमोशंस जो हो गए, आपके थॉट्स जो हो गए, जो नेगेटिव हैं, जो आपको लेट गो करना चाहिए, आपके मैनिफेस्टेशन में रुकावटें बनती हैं, आपको एक अच्छा पर्सन बनाने में जो बीच में रुकावट होती है, लाइक आपकी एंगर इश्यूज़, ठीक है, आपके स्ट्रेस, ये सारे चीज़ को रिलीज़ करना है। कोई ऐसा सिचुएशन है जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उसे आपको पेन एंड पेपर में पेन से अपने पेपर पर लिखना है,
कि क्या क्या चीज़ें आप रिलीज करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लेट गो करना चाहते हैं इस समय इस फुल मून में। क्योंकि देखिए ये दिसंबर मंथ है, ठीक है, लास्ट लास्ट मंथ है हमारे ये ईयर का। जब आप पूरे चीज़ें यहाँ पर ये फुल मून में आप रिलीज़ करेंगे, नई शुरुआत जनवरी में आपका नई शुरुआत होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए, आपकी आपकी लाइफ के लिए। तो हम ऐसा सोचेंगे कि एक न्यू बिगिनिंग होगी हमारे जनवरी में। तो ये टाइम, ये दिसंबर में जो भी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो चीज़ हम कैरी फॉरवर्ड करके न्यू ईयर में नहीं लेके जाएंगे। तो ट्राई करो, हो हर एक चीज़ को, जो भी आपको सर्विस नहीं दे रहा है, आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, तो वो भी चीज़ों को डिक्लटर करना स्टार्ट करो। पेन एंड पेपर पे लिख दो क्या क्या चीज़ें आपको निकालना है, क्या क्या चीज़ें के ऊपर आपको हीलिंग करनी है, यानी कि रिलीज़ करना है आपको। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करेंगे आप, अगर आपने मेरे पहले की गाइडेड मेडिटेशन देखी है, उसमें मून मेडिटेशन भी है, आप मून फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, पहले की, या फिर आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे जहां पर आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं। अब जैसे आपने लिख लिया है, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के टाइम पर इंटेंशन यह सेट करना है कि जो आपने पेपर पर लिखा है कि आप डिक्लटर करने वाले, अपने माइंड को जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज करने वाले हैं, लेट गो करने वाले हैं, इंटेंशन ये रखना है कि आप इस चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने न्यू मैनिफेस्टेशन के लिए जगह बना रहे हैं। सपोज करें एक बॉक्स है, बॉक्स में सब कुछ भरा है, ठीक है, जगह ही नहीं है कोई चीज़ नहीं आने के लिए, जगह ही नहीं है कोई चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए। तो इसके लिए हम लोग पहला चीज़ें जो नहीं चाहिए वो हम निकाल देंगे, रिलीज़ कर देंगे, और उसके बाद हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ हमें चाहिए, जो एनर्जी हमें चाहिए, जो न्यू बिगिनिंग हमें चाहिए, उसे इन्वाइट करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेशन के टाइम पर से हम ऐसा ही इंटेंशन आप रखेंगे कि मैं ये सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रही हूँ, और मेडिटेशन के टाइम पर ही आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको यूनिवर्स को बोलना है, एंजल मेडिटेशन कर रहे तो एंजल्स को बोलना है, ठीक है। इस तरीके से आप न्यू एनर्जी को भी वेलकम करेंगे और एक नया जगह बनाएंगे, ठीक है, अच्छी जगह बनाएंगे जहाँ पर आप अपने नए एनर्जी को, नए मैनिफेस्टेशन को वेलकम कर रहे हैं। मेडिटेशन होने के बाद आप चाहें तो मून लाइट वॉक पर जा सकते हैं, लाइट नीचे जाएंगे, मून को देखकर आप वॉक कर सकते हैं। साथ में आपको अगर चाहिए आप अपने क्रिस्टल्स को चार्जिंग के लिए रख सकते हैं मून लाइट के नीचे। मून वाटर बनाना है, मून वाटर बना सकते हैं। मून वाटर किस तरीके से बनता है, मेरे पहले की वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा मून वाटर किस तरीके से बनाना है। मून वाटर बनाना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने किया, मून वॉक पे गए हमें। अब लास्ट चीज़ जो है वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन बाकी है हमारा, हम क्या करेंगे, चाहे तो आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन पहला ट्राई करो स्क्रिप्टिंग करने का या कोई एफर्मेशन बनाने का। इसमें मैंने बेलीफ रिचुअल भी एक वीडियो अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हैं, बेलीफ रिचुअल किस तरीके से करते हैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है, बिलीव करते हैं तो ही करना है। अब है तो आप एफर्मेशंस बनाकर बार बार उसे चैंट कर सकते हैं, या 21 टाइम्स अपने एफर्मेशन को लिख सकते हैं, या जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर सकते हैं। जो भी आपका एक विश लो, एक विश जो आपको चाहिए उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, लाइक वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ऐसे लिखना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है और आप वो लाइफ को जी रहे हैं। और जब भी आप लिखेंगे आपको वो फीलिंग के साथ, जैसे आप हम खुशी के साथ बोल रहे हैं ना, बोलते हैं ना कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है तो मैं इतना खुश हूँ ये चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है, सेम वाइज में आपको स्क्रिप्टिंग टेक्निक लिखना है कि जैसे कि वो हो चुका है, डिटेल में लिखो। जैसे स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती है, जैसे स्क्रिप्ट आपने कर लिया है, स्क्रिप्टिंग को रीड करो 3 times, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ठीक है, स्क्रिप्टिंग को रीड करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ हो चुकी है, एंड देन उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करेंगे। सेम स्क्रिप्टिंग का 3 रीड करेंगे, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है ग्रैटिट्यूड, आप जो है बोलकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, लाइक आप रीड कर रहे हैं और उसके बाद ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। और ये 3 times आप ग्रैटिट्यूड रीड करने के बाद, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद आप उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे कि क्या क्या आपने लिखा है। सेम चीज़ अपने जो मेंटल स्क्रीन है, मेंटल स्क्रीन के ऊपर आप विजुअलाइज करना स्टार्ट करेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब फीलिंग आपको लानी है, 5 senses का यूज़ आपको करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मेंटल स्क्रीन पे, यानी कि सामने कुछ आ नहीं रहा है, पूरा ब्लैंक है, लेकिन आप इमेजिन करो,
भले आपके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन फाइव सेंसेस का जितना हो सके उतना यूज़ करने की कोशिश करो, और उतना क्रिएटिव बनाओ अपने विजुअलाइजेशन को, और साथ में इमेजिन करो कि वो चीज़ें हैं सामने, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपको ये सारे प्रैक्टिसेस करने हैं, ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करना है। अगर बाय चांस आप इसे आज नहीं देख रहे हैं, इसे कल देख रहे हैं, तो आप इस प्रैक्टिस को 12th दिसंबर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना भी लंबा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप आज देख रहे हैं तो आज ही कर लीजिए, या फिर कल है पूर्णिमा, कल आप कर सकते हैं, या फिर दो दिन और पूर्णिमा रहती है तो मैं बोलूँगी 12th दिसंबर भी जो है ये एक पोर्टल है, तो आप उस दिन भी ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। 12th दिसंबर जो है वो हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पोर्टल है, तो अगर आपको जो है आप उस दिन भी ये सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मैं इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, हीलिंग्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम आईडी पे, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ये संडे को मैं चक्र बैलेंस है या नहीं है इस चीज़ का एक फ्री सेशन ले रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। बाय बाय।